भागलपुर में ईद उल अजहा की नमाज रविवार को हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह और मस्जिद पहुंचकर विशेष नमाज पढ़ी, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर के विभिन्न खानकाह, ईदगाह और मस्जिदों में नमाजियों की काफ़ी भीड़ देखी गई। सूर्योदय होते ही नमाज अदा करने का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। मौलाना चक स्थित खानकाह शाहबाजिया में गद्दी नसी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शाहबाजी ने नमाज पढ़ाई, जबकि शाह मार्केट मस्जिद में सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने नमाज अदा कराया। सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाम आलम शाहबाजी ने सबों को मुबारकबाद देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाने की अपील की। वहीं नाथनगर कर्णगढ़ मैदान में हजारों लोगों ने मौलाना अंसार के पीछे बकरीद की नमाज अदा की। ततारपुर मस्जिद में मौलाना सोहराब आलम, शाहजंगी में मौलाना सैयद शाह शानदार आलम साहबाजी, बरहपुरा ईदगाह में हाफिज कुदरत उल्लाह, भीकनपुर मस्जिद में कारी नसीम अहमद अशरफी और कबीरपुर में मौलाना जियाउल हक ने नमाज अदा कराई। इसके अलावा जिले के विभिन्न मस्जिदों और इबादतगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से कोरोना को लेकर बकरीद की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की गई थी, लेकिन इस बार लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर नमाज पढ़ी। इस दौरान नमाजियों ने देश में शांति और अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं बड़े हो या बच्चे, सभी गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। नाथनगर पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने सभी मुस्लिम भाइयों को सिटीएस मैदान में जाकर बकरीद की बधाई दी। साथ ही पशुओं के अवशेष को नगर निगम द्वारा कराए गए गड्ढे में डालने की अपील भी की। पप्पू यादव ने कहा कि बकरीद त्याग, बलिदान और समर्पण का त्यौहार है। इधर खलीफाबाग साई मस्जिद में रविवार को बकरीद के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। नमाज के दौरान महंत सुबोध कांत झा अचानक पहुंच गए, जिसे देख नमाजियों के मन में भी हलचल शुरू हो गई। वहीं नमाज के बाद सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम को महंत सुबोध झा ने गले मिलकर बधाई दी। महंत ने कहा कि खानकाह ने हमेशा अमन और शांति का संदेश दिया है। यहाँ से गरीब एवं असहायों की मदद होती है, इसलिए सभी धर्म और समुदाय के लोग खानकाह का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से दूध और शहद की धारा बहेगी। मौके पर फकरे आलम हसन ने कहा कि मस्जिद के अंदर जिस तरह से महंत और नवाजी एक साथ खड़े हैं, यही असल हिंदुस्तान है। देशवासियों को सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से भागलपुर के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व में बसने वाले तमाम अहले ईमान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद और तमाम मजाहिब के मानने वालों, तमाम इंसानों को बहैसियत अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक कि सारे इंसान एक ही बाप और माँ की संतान हैं, तमाम इंसानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये प्रेम का, सद्भाव का, मोहब्बत का और त्याग और बलिदान का, कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी, त्याग और बलिदान इस माने में कि जो हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी है, उसके हुक्म और उसकी चाहत के आगे हम अपनी चाहत को कुर्बान करने वाले बने। हसन साहब ने अपने अंदर आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे याद किए हैं और हम साहब का चरणों को दर्शन करने के लिए हम आए हैं। और इस त्यौहार पर हम यही बोलेंगे सर कि हम लोग एक छायादार वृक्ष के नीचे हैं। ये महल, ये राज दरबार हम लोग की नहीं है सर। उस छायादार वृक्ष के नीचे कितने राही मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। तो हम लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई मिल के रहेंगे, वो शक्ति रहेगी सर हम लोग की। इसके आगे क्या बोलेंगे, माफ किया जाए। जय माता भगवती कुल देवी। आज सीटीएस के मैदान में कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग बकरीद का नमाज अदा किया। हम दोनों भाई सभी पर्व, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, शांति सद्भाव से मनाते हैं। भागलपुर की यही खूबसूरती है। भागलपुर, जो भागलपुर निवासी भी देखा है, खोड़वा कांड भी देखा है, डीएसपी मेहरा कांड भी देखा है, लेकिन अब भागलपुर नाथनगर शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है। सारे पूजा समिति के लोग, सारे प्रशासन के लोग यहाँ सीटीएस के मैदान में हैं। हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे हैं, हम सब उनके सुरक्षा में, देख रेख में सारे लोग हैं कि हम
शांति सद्भाव से सभी पर्व मनाते हैं। पूजा समिति अध्यक्ष। बकरीद को लेकर पुलिस की ओर से शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही ईदगाह, खानकाह और मस्जिदों के बाहर पुलिस का पहरा रहा। भागलपुर पुलिस कप्तान बाबूराम के निर्देश पर पुलिस पूरी तरह से सजग सतर्क है। गौरतलब है कि शनिवार को पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च भी निकाला गया था, जो शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से होकर गुजरा। सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजी गई SSB की 4 कंपनी के साथ साथ CIAT के 4 दस्ते, दंगा बल, सभी थानेदार, सर्किल इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर एवं SDPO को ड्यूटी में लगाया गया है। शहर के मस्जिद और खानकाह के बाहर संबंधित थाना के SHO पदाधिकारी और जवान मुस्तैद दिखे। जहां पर बकरीद की नमाज अदा की गई, वहां पुलिस की विशेष नजर थी। ततारपुर, मुजाहिदपुर, कोतवाली, इसाकचक, नाथनगर समेत कई थानाध्यक्ष दलबल के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आए। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत लैलख वार्ड नंबर 5 निवासी अरविंद यादव की 14 वर्षीय पुत्री शिल्पी कुमारी का फंदे से लटका शव एक आम बगीचे से बरामद हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाबालिग का गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह पिछले 9 महीने से घर से फरार चल रही थी। जबकि शनिवार को आम के पेड़ से लटका हुआ शिल्पी का शव देखते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मृतका के पिता अरविंद यादव ने बताया कि शिल्पी 9 महीने से गायब थी, जबकि जिस बगीचे से शिल्पी का शव बरामद हुआ है वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर उसके प्रेमी कैला मंडल का घर है। अरविंद मंडल ने कहा कि गांव के फौजदारी मंडल के पुत्र कैला मंडल से उसकी बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह 1.5 वर्ष पूर्व भी उसके साथ फरार हो गई थी, लेकिन उसके बाद RPF ने पकड़कर दोनों को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद दोनों के एक जाति नहीं होने के कारण पंचायत ने शादी कराने से मना कर दिया। साथ ही अरविंद मंडल ने कैला मंडल पर शिल्पी की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी नाबालिग है और शादी नहीं होने के कारण बदले की मंशा से उसने घटना को अंजाम दिया है। इधर पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रेम प्रसंग था कैली मंडल के साथ। कैली मंडल 9 महीना पहले लेके भागा था, फिर आया तो मृत थे। देखे कहाँ पे मिला? सब लैलख में ही मिला, धोबिया टोला में। कहाँ पे? आम के पेड़ में टहनी में लटका हुआ था। हमको सुबह मालूम हुआ, कोई आदमी बोला ऐसे से आके देखो, लगता है तुम्हारे बच्चा है। तो आके देखे तो मेरी ही बच्ची थी। उसके बाद थाना इंफॉर्मेशन किए, थाना आज से आए आदमी, तब यहाँ लेके आए। क्या लगता आपको, 9 महीना पहले जो आपकी बच्ची गायब थी, तो गायब होने का रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाना में? नहीं सर, इधर उधर खोज रहे थे, रिपोर्ट नहीं करवा सके। गरीब आदमी सर उतना ध्यान नहीं दिए। क्या लगता है क्यों हत्या हुई आपकी बेटी का, कौन मारा होगा उसको? हमको तो सर कहे सर वही कैली मंडल ही मारा होगा, क्योंकि उसी के साथ था। ये बोल रही थी कि शादी करेंगे तो उसी के साथ शादी करेंगे। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में रविवार को नाथनगर पीपरपाती से एक महिला की डिलीवरी कराने आए परिजनों ने महिला के इलाज की दौरान मौत के बाद जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि डिलीवरी पेशेंट महिला को शनिवार की सुबह मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि मायागंज अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी के कारण डिलीवरी पेशेंट महिला की जान चली गई, जबकि डॉक्टरों को पहले ही महिला की हालत गंभीर होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा प्रसूता के मौत के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इधर प्रसूता के आक्रोशित पति ने कहा कि कई बार डॉक्टरों को बेहतर उपचार के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं थे और चिकित्सक की लापरवाही से उनकी पत्नी की जान चली गई। जबकि मौत से ठीक पहले प्रसूता को 2 सुई दी गई थी, जिसके तुरंत बाद महिला की मौत हो गई। वहीं इस दौरान मृतक के पति ने कहा कि जब तक SSP नहीं आएंगे
तब तक सब यहां से नहीं ले जाएंगे। बता दें कि इससे पूर्व भी इस तरह की शिकायत मरीजों और परिजनों द्वारा मिलती रही है, लेकिन बावजूद इसके ना तो चिकित्सक और ना ही अस्पताल प्रबंधन इससे कोई सीख लेता दिख रहा है, जिसका नुकसान मरीजों और परिजनों को उठाना पड़ता है। हालांकि काफी प्रयास के बाद मायागंज अस्पताल में तैनात गार्ड और डॉक्टरों ने समझा बुझा कर परिजनों को शांत कराया। यहाँ से मेरा बॉडी उठेगा एसपी आने के बाद। मेरा पत्नी डिलीवरी पेशेंट थी, डॉक्टर के पास जाते थे, गार्ड सब धक्का मार मार के भगाते थे, एक भी गलत लफ्ज नहीं बोले हैं, और गलत लफ्ज बोले होंगे तो हमको जो सजा देंगे वो लेने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर ज्यादा जाते थे, वो डॉक्टर क्या बोले, डॉक्टर क्या बोला, तुम ज्यादा भुकाओगे जाओ तुम्हारा पत्नी मर जाएगा, बस दो सुइया दिया घप घप, और उसके बाद 10 मिनट के बाद बोला कि मर गया, दो सुई दिया है, और अब इसका हमको छानबीन चाहिए वो कौन सा दिया है, और ये बॉडी को उठाने के लिए इस लहास से गुजरना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। हम भी ये रखे थे शौक, मेरा छोटा छोटा एक बेटा एक बेटी है, एक को एसपी बनाएंगे एक को डॉक्टर बनाएंगे, ये शौक नहीं रहा, अब ये लाल सलाम। भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र अंतर्गत अद्भुत हनुमान मंदिर के पास पैसे के विवाद को लेकर युवकों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है, जिसमें तुषार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इसके बाद घायल युवक के परिजनों ने इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जबकि दूसरा पक्ष मारपीट और पथराव के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों की माने तो सुमित नामक युवक से तुषार का पैसों को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, और इसी को लेकर शनिवार को सुमित अपने दोस्तों के साथ तुषार को मंदिर के पास पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जबकि परिजनों द्वारा उसे बचाने का प्रयास करने पर युवकों ने सड़क पर ही पथराव किया और वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बीते 7 जून को भागलपुर के जोगसर थाना अंतर्गत एक किराए के मकान में रहने वाले मुंगेर के संग्रामपुर निवासी छात्र सौरभ की संदिग्ध परिस्थिति के मौत मामले में उसके पिता रामजीवन कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। मृतक छात्र के पिता ने उसी मकान में रहने वाले कुछ छात्रों पर अपने पुत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इसको लेकर रामजीवन कुमार का कहना है कि जब वह जोगसर थाना पहुंचे तो उन्हें उसी मकान में रहने वाले कुछ छात्रों और सौरभ के बीच पैसे के लेन देन पर विवाद होने की बात पता चली, और इसी को लेकर कई छात्रों द्वारा मिलकर सौरभ की हत्या करने की आशंका पीड़ित पिता ने जताई है। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र की हत्या करने में मकान मालिक की भी संलिप्तता की आशंका व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि घटना के दिन सौरभ का मोबाइल बगल वाले रूम में रहने वाले युवक के पास था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की पीट पीट कर हत्या करने की बात कही जा रही है, जबकि पुलिस फिलहाल इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। वहीं पीड़ित माता पिता ने पुलिस प्रशासन से अपने पुत्र को न्याय दिलाने और उनके हत्यारे को सजा दिलाने की मांग की है। हम जो है शुक्रवार को ही यहाँ से घर गए थे सर, और शनिवार को भी, शुक्रवार 3 तारीख था सर, 3 जून 6ठा महीना था, उसके बाद हम घर चले गए थे पैतृक घर, बच्चा छोटा को लेकर सर, बड़ा वाला बेटा मेरा यहाँ अकेले रह रहा था, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार भी रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो है कि रविवार को जब हम अपनी मम्मी से बात किए सौरभ 7 बजे लगभग बात किए हैं, तो ठीक था बच्चा मेरा, कोई उसको दिक्कत नहीं था। उसके बाद रात में क्या हुआ, सोमवार को हम लोग बिजी रह गए, हम भी होमगार्ड के बालिम चल गए सर, इसकी माँ भी वहाँ शिव चर्चा रखी हुई थी, उसी में व्यस्त रह गई। सोमवार को कुछ नहीं पता चला, मंगलवार को जब हम लोग फ़ोन किए लगभग 2 बजे, तो उधर से रेंटर वगैरह से पता चला, मतलब कि पहले तो बोला कि तबीयत ख़राब है, उसके बाद जब हम लोग रास्ते में आ गए, तीनों बच्चा बीवी को साथ में लेके, उसके बाद हमको बोला गया सर कि आपका बेटा जो है डॉक्टर के यहाँ ले जाने लायक नहीं है, सुसाइड कर लिया है। उसके बाद जब हम आए तो यहाँ का जितने रेंटर थे सब हमको सोसाइटी की तरफ ही इंडिकेट कर रहे थे, कोई नहीं बता ये बोल रहा था। अब यहाँ तक ये है सर, जब मकान मालिक से पूछा गया 28 तारीख को लाजपत पार्क के पास, तो बजरंगबली का कसम खा के बात किए हैं, बोले कि हम उनको बोले भैया आप रविवार को 5 तारीख को कै बजे गेट लगाए, वो बोला कि हम 10 बजे लगा चुके हैं, और चाबी भी किसी को दिए थे, बोला नहीं, जबकि मेरा बेटा ऑनलाइन व्हाट्सएप 11:30 बजे तक है सर।